नमस्कार, मी वैशाली पाल। मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी। नवरात्रोत्सव सर्वत्र उत्साहात जल्लोषात साजरा होत आहे। कोरोनानंतर प्रथमच सर्वत्र नवरात्रोत्सवाचा आनंद घेत आहे। सांस्कृतिक मंडळ पलावा विविध भरगच्च कार्यक्रमांनी नवरात्रोत्सव साजरा करीत आहे। अखिल भारतीय वारकरी प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष सुरेश ठाकरे व माजी सरपंच अरुणा सुरेश ठाकरे यांच्या माध्यमातून नवरात्रोत्सव साजरा होत असून भजन कीर्तन हरिपाठ प्रवचनाचे आयोजन केले आहे। भजन कीर्तनाच्या गजरात पलावा भाग दुमदुमून जात आहे। सारा परिसर भक्तिमय होत आहे। दररोज वेगवेगळ्या महाराजांचे कीर्तन हरिपाठ होत असून मोठ्या संख्येने याचा लाभ भक्तगण घेत आहे। पहिल्या दिवशी हरिभक्त पारायण भागवताचार्य हनुमान महाराज पाटील कोळेगाव यांच्या शुश्राव्य प्रवचन झाले। त्यात त्यांनी नवरात्रीचे महत्व, महिलांचा सन्मान, बालकुमारिकेचे पूजन ह्याचे महत्व विशद केले। तसेच लक्ष्मीनारायण महिला हरिपाठ मंडळ हे दुटणे चालक कृष्णा बुवा कायण मृदुणा जय पाटील यांचे हरिपाठ झाले। टाळ मृदुंगाच्या गजरात तालावर ठेका धरत नाचत फुगड्या खेळत हा हरिपाठ सादर करण्यात आला। सांस्कृतिक मंडळ पलावाचा नवरात्रोत्सव साजरा करण्यासाठी अखिल भारतीय वारकरी प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष सुरेश ठाकरे, माजी सरपंच अरुणा सुरेश ठाकरे व अजय सुरेश ठाकरे यांचे मुलाचे सहकार लाभत आहे। Oh,
दुर्गा जी अलग है, महिषासुर जी अलग है, काली का अलग है, महालक्ष्मी अलग है, अलग से सरस्वती माता है, उनका डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग एंगल से उन्हें पूजा जाता है। कई देवता सात्विक है, कई राजस है, कई तामस है, उनका भोग भी अलग अलग है। नवरात्र में 3 दिन सात्विक का चलते, 3 दिन राजस का चलते और 3 दिन तामस का चलते। कुछ समय भजन चलता है, कुछ समय दांडिया चलता है, कुछ समय कप्पा टप्पा चलता है। सात्विक राजस तामस चलता है। इस गुरु के छाया पे चलने वाली बिंद राशि के लग्न में शाम के समय के 6:50 पर भगवान शिव जी के मंदिर में कलावा कट्टा सरस्वती मंदिर के अध्यक्ष हमारे मित्र भजनोन्मंडी सुनील बुआ ठाकरे इनके माध्यम से यह आरंभ हो रहा है। हो सके तो आपस में बातें करना बंद करो, हो सके तो इस मंदिर हमारे घर में सिर्फ 5 ही देवता बने, भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, भगवान सूर्य नारायण और भगवान आदि माया शक्ति। और उस शक्ति को गठन करने के लिए हमें आज से पूरे 9 दिन तक उसकी उपासना श्रद्धा भक्ति के साथ करनी है। हो सके तो शांतता रखो। भगवती का एक प्रस्ताव लगा गया है, यादे सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी। अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।